सो हे गाइस, वी आर बैक ऑन अ मेगा मॉन वीडियो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो। तो मतलब काफ़ी टाइम से हमारा वीडियो कुछ आया नहीं है टिप्स एंड ट्रिक को लेकर। तो आज का वीडियो भाई बिगिनर्स के लिए है कि कौन सा टीम हमें बनाना चाहिए स्टार्टिंग में वगैरह वगैरह, और थोड़ा बात करेंगे भाई गेम के बारे में। और गाइस बात करें हमारे प्रोग्रेस के बारे में, तो आज की वीडियो में मेरा देखो प्रोग्रेस कितना हो गया है, लेवल 44 है हमारा, एंड सी पी हो चुका है भाई 1 लाख प्लस, और टीम हमारा ये चल रहा है ठीक है। जो म्यू है हमारा वो है साइथर, इसका जो है हमारा 6 स्टार हो चुका है पूरा मैक्स है फिलहाल तो, और जल्दी करेंगे शराब और भी। गाइस मैंने अपना एक नया आईडी बना लिया किसी सर्वर में ठीक है, कोई ओल्ड सर्वर है मेरा। तो गाइस सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ आता है वो है कि जो हम स्पिन करते हैं स्टार्टिंग में, जो हमारा स्पिन होता है ना 100 स्पिन, तो उसमें भी निकलने चाहिए हमको अच्छे पोकेमॉन। तो गाइस मैं इस आईडी में स्पिन करने के बाद तुमको दिखाऊंगा कि कौन से बेस्ट पोकेमॉन हो सकते हैं हम लोग यूज़ करें टीम वगैरह में, है ना। पहला स्पिन तो क्या दिया पहले स्पिन में, रुको स्किप करेंगे, हाउंडन दिया। अरे भाई तुम यूज़ कर सकते हो उसको पक्का, लो मुझे पहला पोकेमॉन मिल गया अच्छा वाला, हाउंडन अच्छा है भाई यूज़ करो उसको ठीक है, बढ़िया है। और रेजाइस ना, उसके बाद क्या है 10 की स्केल दिया है नहीं चाहिए, मटकेप दिया। तो गाइस पहले हम लोग सारे स्पिन कर लेते हैं फिर दिखाते हैं लास्ट में हमारी टीम क्या बन रही है ओके। तो मैं करता हूँ उसको स्किप जरा, और गाइस यहाँ पे स्किप करने के बाद हम यहाँ पे स्पिन करेंगे आगे जो डायमंड वाला है वहाँ भी स्पिन करेंगे, वहाँ देखते हैं भाई वहाँ पे कौन से बेस्ट पोकेमॉन हो सकते हैं स्पिन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे अगर तुमको चूज़ करना है तो मैं कहूँगा तुम चूज़ करना भाई यहाँ पे ग्रास टाइप के लिए, या फिर रॉक टाइप हो गया, और फायर या फिर इलेक्ट्रिक है ना, क्योंकि यही बेस्ट पोकेमॉन है मैं कहूँगा। हाँ और तुम चूज़ कर सकते हो भाई, जैसे टीम में तुम्हारा हाउंडन आ जाएगा और बोल्डर्स आ गया साथ में, या फिर जैपडोज और इलेक्ट्रिक किड आ गया साथ में है ना, और बाकी अदर पोकेमॉन हो गए ट्राइडर अच्छा पोकेमॉन है, और साइथर हो गया टीम में, म्यू भी हो सकता है टीम में, म्यू अच्छा पोकेमॉन है भाई ओके। तो यही सब कुछ अच्छे पोकेमॉन है फिर इसको यूज़ करते हैं, हॉर्नेट भी अच्छा पोकेमॉन है वैसे ओके। आप सीधे स्पिन करते हैं भाई हम, गाइस इसमें मारेंगे हम स्पिन ठीक है। तो स्पिन मारते हैं जरा क्या निकला, अबे पेपलिप दे दिया, हाथ दे भाई, अरे कुछ अच्छा देना। क्या दिया इस बार, ऑनिक्स दिया क्या आगे। और गाइस तुमको वहाँ पे तुम स्पिन कर लेते हो 100 वहाँ पे तुमको मिलता है फिर ये बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे तुमको क्या लेना है भाई देख लो, तुमको कंफर्म लेना है साइथर, साइथर कंफर्म लेना है। अगर तुमको भाई वहाँ पे स्पिन में निकल गया तो तुम स्टार्टअप कर लेना, अगर नहीं निकला तो साइथर यहाँ से ले लो ठीक है, पक्का ले लो स्पिन वगैरह यहाँ पे। भाई मुझे निकालने हैं पोकेमॉन जो मुझे चाहिए टीम में, रेजिरॉक दे दिया वाह, अरे कुछ अच्छा देना, फिर देखते हैं क्या निकलेगा, फिर रेजिरॉक दे दिया भाई, अबे फिर से रेजिरॉक दे दिया, क्या गेम है ये, अबे फिर से रेजिरॉक दे दिया, अबे गेम पागल हो गया क्या, अबे 4 रेजिरॉक दिया मेरे को लाइन से, ये क्या मिला चाहिए भाई, ये मिल गया ठीक है, डायमंड और नहीं आएगा क्या, अच्छा ठीक है। देखो गाइस फिर टीम बनाते हैं जरा यहाँ पे फिर अच्छे से कि टीम हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस देखो म्यू को, म्यू तुम बना सकते हो टीम में ओके, ओके म्यू का तुम शार्ट अप कर सकते हो आराम से, कहीं से मिल जाता है म्यू का शार्ट वगैरह, म्यू तुमको मिलेगा आराम से, तो तुम म्यू को यूज़ करना पक्का, शायद से तुम्हारी टीम में आएगा ही आएगा पक्का ओके। या फिर तुम्हारे पास अगर हॉर्नेट या फिर हाउंडन आ गया तो तुम इसको यूज़ को यूज़ करना ठीक है, ये भी दो पोकेमॉन आ गया। या फिर भाई तुम यूज़ कर सकते हो मैग्नेसॉन को, और इलेक्ट्रिकेड है, और जो अपना जेपडोज है ये यूज़ कर सकते हो 2-3 साथ में ओके। तो गाइस मैंने तुमको बता दिया 5 से 6 पोकेमॉन है, नहीं मैंने ज़्यादा ही बता दिया कम से कम, तो भाई इन्हीं पोकेमॉन से तुम बनाओ टीम स्टार्टिंग में, यही बेस्ट पोकेमॉन है। देखो ये सब बेकार है, जो ऑनिक्स है मडकिप हो गया या फिर पपलिप है, ये सब बेकार पोकेमॉन है, इनसे मत यूज़ करना लोग, कोई बेकार ही है ओके। और गाइस फिर बात आती है भाई कि लेवल अप कैसे किया जाए, लेवल अप कब करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो भाई देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब तुम खेलोगे तो लेवल अप मत करना इतना जल्दी, भागना मत लेवल के पीछे, लेवल खुद ही बढ़ेगा तुम्हारे साथ साथ ठीक है। तुम एक बैटल खेलोगे तुम्हारे पास लेवल आराम से बढ़ जाएगा भाई मुझे पता है, तो लेवल मत बढ़ाना इतनी जल्दी। स्टार्टिंग में क्या करना है ना, लेवल के साथ साथ पोकेमॉन को लेके जाना ठीक है, मैक्स करके रखना साथ साथ, और उसके बाद जब तुम्हारा लेवल हो जाए ना भाई, कम से कम तुम्हारा लेवल अगर हो जाए 36 या फिर 40 के आसपास लेवल हो जाए जब तुम्हारा, फिर भाई तुम मस्त लेवल बनाना है। कहाँ से लेवल करना है भाई, यहाँ से लेवल अप करना होता है, मैं तुमको दिखाता हूँ जरा। लेवल अप की बात अगर हम कर रहे हैं तो मैं तुमको दिखाता हूँ लेवल अप भाई तुम्हारा हो जाएगा आराम से यहीं से। देखो देख रहे हैं यहाँ पे मिशंस, मैं डेली के भाई डेली पूरा कर रहा हूँ कंप्लीट, ताकि मुझे लेवल अप हो जाए। और पता है जब तुम्हारा लेवल 40 हो जाता है ना, 40 तक ना तुम्हारे जो सारे पोकेमॉन है भाई तुम कर सकते हो उनको इवॉल्व है ना, तो भाई इवॉल्व होने के बाद फिर तुम्हें चाहिए बस लेवल अप, अच्छे से लेवल अप करो और टीम को अपग्रेड करते जाओ लाइन से ओके। तो यहाँ से डेली करो और लेवल अप तुम कर सकते हो भाई, यहाँ पे स्टोरी में जाओ और जो भी तुम्हारे पास मटेरियल कम है उसके पास भाई मारो स्विप, ये देखो भाई बहुत अच्छा खासा तुमको मिलेगा एक्सपीरियंस, जैसे भाई स्विप मारो अच्छे से तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा ब्रेक थ्रू करने के लिए और बढ़िया। और गाइस जो तुम्हारा हाईएस्ट लेवल का वो है स्टोरी है वो खेलते रहना ठीक है, स्टोरी मत छोड़ना क्योंकि भाई तुमको यहीं से मिलेगा ब्रेक थ्रू करने का आइटम और वहीं से तुम्हारा पोकेमॉन का भाई बढ़ेगा सीपी वगैरह, तो ये अच्छा टिप है यहाँ से करना डेली। और गाइस अगर मैं टिप की बात करूँ एक और, तो डेली भाई चेक किया करो सारे मिशन वगैरह, जो भी यहाँ पे भी इवेंट है सब चेक किया करो,
एक तो भाई पहले मेल चेक किया करो जो हमेशा देता है ये रिवॉर्ड, और भाई यहाँ पे जो चेक है ना ये वाला इवेंट टाइम लिमिटेड इवेंट है ना, यही है ना, हाँ यही है। तो भाई इसमें डेली चेक किया करो, इसमें तुमको पक्का रिवॉर्ड मिल ही जाता है, मतलब काफ़ी मिल जाता है, और इस पर पता है नोटिफिकेशन शो करता है नहीं, तो यहाँ से मिस ना हो जाए तो चेक करते रहा करो यहाँ पे। ओके एंड गाइस रिवॉर्ड में यहाँ पे हम मिस करते हैं जो एनर्जी का है ये ले लिया करो। ओके मैं बता रहा हूँ अगर तुम बिगिनर हो तो लेके चलना, आगे भाई बहुत काम आएगा तुमको एनर्जी का, ठीक है। देखो मेरे पास एनर्जी खुद भी नहीं है, मैंने खुद यूज़ कर लिया, और यूज़ कहाँ होता है एनर्जी का भाई यहाँ पे स्विप मारने में। ओके पता है तुम देखोगे मैं तुमको दिखाऊँ, क्योंकि स्विप करने भाई बहुत चाहिए मटेरियल आगे जाके। ओके गाइस ये देखो जरा ब्रेक थ्रू में, ये देखो कितना चाहिए मटेरियल, 55 चाहिए भाई, और मेरे पास इतना स्पिन करने के लिए है नहीं एनर्जी, ओके सब यूज़ कर लिया, तो अभी से इकट्ठा करके चलो काफ़ी मदद होगा। और गाइस इसमें जो भी एडवेंचर में जो भी इवेंट वगैरह है तुम सारे खेला करो, सबसे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिल जाते हैं, तो तुम भाई यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड ले सकते हो, डेली इसको किया करो, मिस मत किया करो इसको। एंड एडवेंचर रोज भाई यहाँ पे भी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है, तुम्हें पता है यहाँ पे जो कॉइन मिलता है ना ये वाला, इसमें बहुत हेल्प करेगा आगे, ठीक है। बिगनर हो तो उसको डेली करना भाई, काफ़ी काम का है। और डिस्पैच भी भाई किया करो, डिस्पैच मैंने भी नहीं किया हुआ, इवे तो कुछ काम का इवेंट है नहीं, ओके सही में कुछ काम का है नहीं ज़्यादा, क्या ही बेकार रिवॉर्ड दिया है हद है। और गाइस तुम यहाँ पे जो एलिमेंटल चैलेंज है तुम ये भी कर सकते हो, तुमको यहाँ पे भाई जो पोकेमोन यहाँ पे दे रखा है उनका तुमको मिल जाएगा शॉर्ट वगैरह, तो बढ़िया चीज़ है। ओके और गाइस डेली तुम मिस्ट्री बॉक्स से काफ़ी मिस्ट्री शॉप जो आता है तुम वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो, बाई कर सकते हो। ओके भाई ये देखो मुझे ये दे रहा है प्लस टू का वो ब्रेक थ्रू दे रहा है, बाई करूँगा भाई मैं ये, और फूड भी दे रहा है ये भी काम की चीज़ है। और डायमंड तुम ज़्यादा वेस्ट मत करना हर जगह, ओके और ये डायमंड का तुम्हें काफ़ी जगह यूज़ होगा स्पिन वगैरह करने में, तो सेव करके रखना। और गाइस तुमको ना बार बार टीम वगैरह चेंज नहीं करना है, ओके जो मैंने टीम बताया है उन्हीं पोकेमोन को यूज़ करना स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे खेलोगे ना तुमको एक या दो हफ्ते में तुम्हारा पहला वो भी मिल जाएगा प्लस, मुझे पता है एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतनी टिप्स वगैरह थी फिलहाल टीम को लेकर, पोकेमोन को लेकर और लेवल अप वगैरह को लेकर, और नेक्स्ट वीडियो प्रोग्रेस के ऊपर ही आएगा। ओके एंड भाई जो भी इस पे इवेंट वगैरह आते हैं जैसे ये वाला इवेंट आया था समर इवेंट, मैंने इसको अच्छे से बता दिया एक्सप्लेन कर दिया है। ओके तो तुमको कोई जो भी कुछ पूछना हो इवेंट वगैरह के बारे में पूछ सकते हो कमेंट में, मैं वीडियो बना ही दूंगा उसके ऊपर। और गाइस जो भी टिप्स वगैरह हो मुझे बताना तुमको क्या जानना है इसके अंदर किस चीज़ के ऊपर चाहिए वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।